So, okay, welcome to again Cisco Tech Technology. तो so इस वीडियो में बात करेंगे कि how to use offline WhatsApp. हाँ, possible है. मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया, काफ़ी इसको यूज़ किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ. तो WhatsApp को ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं. किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है, नहीं कोई मैक है, नहीं कोई iOS एक्स्ट्रा, तो व्हाट्सएप को आप आसानी से ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं. कैसे, वो भी हम बात करेंगे अभी. और सबसे बेस्ट टॉपिक है, काफ़ी सर्च हुआ है, हाउ टू मेक ऑनलाइन अर्निंग मनी. तो इवेंट एक एप्लीकेशन अभी करंट लॉन्च हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है. तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि नाम है, अब प्ले स्टोर में से जाके इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इवेंटो एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है. तो मैं तो अभी ट्रायल के लिए, मेरे पास एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लू स्ट्रिक करके, इसे में मैंने इसे यूज़ किया है. इसमें मेरा लाइक 66.9 कॉइन्स मैंने अर्निंग कर लिया है. मैंने ज़्यादा नहीं, इस पर विद इन 1 hours 1 days में इस पर टाइम दिया, ज़्यादा टाइम नहीं हो पाया था अरेंज. तो भी देखिए काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा. मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जब मैं ऑनलाइन रहूँगा जब आपको बना के दूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास देखिए यानी मेरा इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और तो मैं इसे आपको यूज़ करके नहीं बता सकता. अगर मैं इसको ऑफलाइन यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये देखो प्लीज़ वेट करके यहाँ पर प्रोसेस हो रही है. सो हाउ टू यूज़ ऑनलाइन व्हाट्सएप. तो व्हाट्सएप को सबसे पहले तो ऑनलाइन यूज़ करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ब्लू स्ट्रैक, जो कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है. या तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लो, जैसे कि एंड्रॉयड रनिंग एप्लीकेशन, जिससे कि सभी एंड्रॉयड या एंड्रॉयड ओके एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन करा सकते, जैसे कि व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट, समथिंग लाइक कोई गेम्स हो गया. ये काफ़ी सारे, ये देखो इसमें गेम्स नहीं है तुमने दिया है, बट गेम्स डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं. तो व्हाट्सएप को ऑफलाइन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा ब्लू स्ट्रिक, जो कि इस प्रकार का इसका आइकन दिखेगा आपको. और ब्लू स्ट्रिक को डाउनलोड करने के लिए कहाँ से डाउनलोड करें, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. उस लिंक पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो ब्लू स्टेक को. ध्यान रखें थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, अगर किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट में तो ऑलरेडी असाइन द एप्लीकेशन ऑल, तो किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में या अपने कंप्यूटर पीसी में व्हाट्सएप को यूज़ करना चाह रहे बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आपको ब्लू स्टेक का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि एक एंड्रॉयड रनर है. सभी एंड्रॉयड के एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं इसमें. और उसके बाद आप जैसे ही आपका ब्लू स्टेक डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह ही दिखने लगेगा आपको एक केविक. लेकिन ध्यान दें, अगर आपके पीसी में, आपके सी ड्राइव में कम से कम 2 GB से ज़्यादा स्पेस होना चाहिए जब भी आप इसे डाउनलोड करें, क्योंकि काफ़ी हेवी सॉफ्टवेयर है, रन होने को काफ़ी टाइम लगता है. तो डाउनलोड और इंस्टॉल करने की प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वीडियो के नीचे सो मोर करके एक ऑप्शन दिया होता है, उसे क्लिक करें तो पूरा का पूरा एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें सभी डिटेल मैं भर दूंगा. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैं आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए, क्योंकि बताना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें कई फालतू चीज़ें डाउनलोड हो जाएगी, आपका पीसी फालतू में काम नहीं करेगा, तो आप फिर बोलोगे कि मेरा पीसी, क्योंकि हैवी है ही सॉफ्टवेयर, मेरा खुद का जो मेरा लैपटॉप होता है काम नहीं करता है, हैवी सॉफ्टवेयर है, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है. अगर आपके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन है ही नहीं,
आप चाहते हो कि मैं लैपटॉप या पीसी पर यूज़ करूँ तो सबसे बढ़िया यही रहेगा आपका। और अपना नेक्स्ट टॉपिक था कि इसको ऑफलाइन, हाँ ये सत्य है, मैं इसे ऑफलाइन यूज़ करता हूँ और काफ़ी हद तक ऑफलाइन ही चलाता हूँ मैं इसे। तो देखिए मेरे पास अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ना ही वाईफाई है, देखिए नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो मैं क्लिक करके भी आपको बता देता हूँ क्योंकि प्रूफ चाहिए आई थिंक। देखो ठीक है, तो मेरा ये वाईफाई नॉट अवेलेबल, ये जो आइडिया दिखा रहा है ये भी मेरा बंद पड़ा है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो कनेक्ट करने की बोलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कोई भी मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। तो फटाफट मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे ही ब्लू स्टिक डाउनलोड करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, 400 या 300 प्लस की फाइल रहेगी, फिर आपका इस टाइप का एक पॉपअप, एक जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है सर्च में, जैसे इस एप्लीकेशन आपका तैयार हो जाएगा यहाँ सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करना है आपको व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर आपका टर्म एंड कंडीशन, तो ये व्हाट्सएप आपको ऐसा आइकॉन्स दिखने लगेगा। और व्हाट्सएप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद पूरा आपको जैसा मोबाइल्स में प्रोसेस करते हो बैकअप, चैटिंग बैकअप पूरा कंप्लीट करने के बाद उसे एक दो दिन ऑनलाइन यूज़ कीजिए, और ऑनलाइन एक दिन ऑनलाइन यूज़ करने के बाद उसका बैकअप लीजिए। जैसे कि आपने दो चार वीडियो भेज दिया, लाइक समथिंग लाइक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कुछ वीडियोस, फॉर एग्जांपल ये वाला कि देखो मैंने कुछ चैट वीडियोस भेज दिया यहाँ पर, और उसके बाद उसका बैकअप लेने के लिए आपको जाना होगा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप थ्री डॉट, क्लिक ऑन थ्री डॉट एंड गो टू द सेटिंग्स, सेटिंग्स एंड हिट द चैट बटन्स एंड चैट एंड बैकअप, राइट। तो यहाँ से बैकअप ले सकते हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत फटाफट चैट होता है। अब तो गूगल ड्राइव में भी ये, जैसे ही आप बैकअप करोगे तो आपके जैसे ही व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो पहले ही आपका एक ब्लू स्टिक आपको ईमेल आईडी पासवर्ड मांगेगा, जब तक नहीं दोगे आप जब तक ये आपको अंदर नहीं घुसने देगा। तो सबसे पहले आपको करना है इसमें फटाफट, उसके बाद में मैं बैक व्हाट्सएप पे आ जाता हूँ, व्हाट्सएप को क्लिक, ऑफलाइन यूज़ करने के लिए आपको बैकअप लेने के बाद इंटरनेट को हटा दीजिए, ब्लू स्टेक को रन कराइए, व्हाट्सएप के अंदर जाइए। जैसे कि ये देखो मेरा ब्लू स्टेक रन में, देखो यहाँ में दिखा रहा है वाईफाई नॉट कनेक्टेड, इंटरनेट एनी नॉट कनेक्टेड, राइट। तो जैसे ही आप ब्लूटूथ प्लेयर या ब्लू स्टेक प्लेयर आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पॉपअप दिखाई देने लगेगा, तो बिल्कुल ना घबराइए, रन होने को टाइम लगता है, अपने आप रन हो जाएगा। व्हाट्सएप प्लग की करना है और आराम से आपके सभी जितने भी चैट यूज़र हैं आपको सभी यहाँ पर दिखने लगेंगे। ओके, तो आप कहोगे कि यार मैं ऑफलाइन बैठा हूँ, मेरा दोस्त मुझे मैसेज करेगा तो मुझे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। ऑफलाइन यूज़ का मतलब जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे कि कुछ भी लिख के भेज देता हूँ, लाइक हेलो, ठीक है, हेलो लिख के भेज दिया, ठीक है, तो ये चला गया। चला गया मतलब ये एक एनक्रिप्शन मोड के समान है कि यार जब हेलो लिख के मैंने जैसे कि भेज तो दिया बट, ठीक है, तो हेलो लिख के मैंने भेज तो दिया, जैसे कि हाय लिख के भेज दिया मैंने यहाँ एंटर करके, तो ये जब चला गया कि यार मेरा कल का मैं भूल जाऊँ, मेरे फ्रेंड को जैसे कि मैसेज करना है टुमारो मॉर्निंग की, फॉर एग्जाम्पल मीट मी नाउ, नाउ तो नहीं आएगा आई थिंक, तो फॉर एग्जाम्पल टुमारो मॉर्निंग, मीट मी नाउ टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग। थोड़ा इसमें कीबोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है, और ठीक है भेज देता हूँ का, तो मीट मी नाउ टुमारो मॉर्निंग करके। तो हाँ ये अभी मैंने देखो ये भेज दिया ना, तो ये जैसे ही मैं कल जब भी मैं इंटरनेट कनेक्ट करूँगा तो फट से चला जाएगा। तो यानी सॉफ्टवेयर के समान कि यार ऑफलाइन यूज़र के लिए तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाता हूँ, या कुछ मुझे लगता है कि यार कल अर्जेंट मुझे कोई मैसेज भेजना है कि
फॉर एग्जाम्पल टेस्ट टेस्ट ठीक है,